my name is abdullah abeik i'm a student of bs commerce 7th semester and today i'm presenting a dispute of a case study between fbr and the mne called shell which is working currently in pakistan and situated it's headquarters situated in karachi actually so start girti subse pahle, hum ye ke, what is the matter डिस्प्यूट अगेंस्ट एफ बी आर एंड द शेल कंपनी सो फर्स्ट ऑफ आल द डिस्प्यूट को उन्होंने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जो कि फर्स्ट डिस्ट्री जो इनका डिस्प्यूट था इज़ अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग एंड द सेकेंड इज़ एप्लीकेश टैक्स लॉ तो ये दो मेन डिस्प्यूट्स है जिनके रिगार्डिंग एफ बी आर और शेल जो कि एक एमएनी है पाकिस्तान में काम कर रही है लुप्लीकेंट्स और गैसोडीन ऑयल कंपनी एक तो ये दोनों लीगल मैटर्स में आमने सामने हुए और एफ बी आर ने शेल का जो लाइसेंस है टू फाइल टैक्सेशन का टैक्सेशन का रजिस्ट्रेशन का जो लाइसेंस था वो इन्होंने सस्पेंड कर दिया तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो लीगल एक्शंस हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एफ ने एफ़ बी आर ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ शेल कंपनी को सस्पेंड कर दिया ये एलिगेशन लगाते हुए कि इन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है सो टैक्स फ्रॉड क्या था वो हम आगे फर्दर जानेंगे लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूज़ था एफ बी आर का इस कंपनी के ऊपर कि इन्होंने डेलीबरेटली एक टैक्स फ्रॉड कमिट किया है और टैक्स अवेट किया है सो so, टैक्स को छुपाया है और अदा नहीं किया इसको फर्दर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एलिगेशन जो कि एफ़ की तरफ से शेल पाकिस्तान पे लगाई गई वो ये थी कि एफ ने क्लेम किया है कि शेल पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना स्टॉक है जो लुब्रिकेशंस का स्टॉक होता है जो ऑयल में यूज़ होता है टू थिक और थिन द ऑयल विच इज़ यूज विच इज़ अ मोटर ऑयल यूज इन द मोटर व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बाइक्स जो के इंजन ऑयल होता है और इसी तरह के डिफरेंट लुब्रिकेट जो कि शेल कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उनको इन्होंने स्टॉक्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिसंबर 2016 एंड 18 इन्होंने कम बताया और ना सिर्फ कम बताया बल्कि उसको फाइल भी नहीं किया और मतलब ऑबियसली कम बताया तो फिर फाइल भी नहीं किया और अपना टैक्स बचाने की कोशिश की है इन्होंने तो ये एक एक्यूज़ था फर्स्ट एलिगेशन थी जो कि एफ ने शेल पाकिस्तान पर लगाई सेकेंड अब इसका रिस्पांस बताते हैं शेल की तरफ से शेल पाकिस्तान ने इसका रिस्पांस क्या किया इन रिस्पांस टू दिस एलिगेशन शेल पाकिस्तान स्टेटेड दैट द रेलिवेंट अमाउंट ऑफ टैक्स हैड बीन पेड इन फुल फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बल्कि हमने जो टैक्स की जितनी अमाउंट बनती थी हमने वो पे की है और फुली पे की है और सेकेंड उन्होंने बताया एंड देर फोर देर वज़ नो शॉर्ट फॉर इन पेमेंट ऑफ टैक्स और उन्होंने कहा कि हमने कोई टैक्स छुपाया नहीं है और ना ही कुछ टैक्स में कमी करके शो किया या जमा नहीं कराने से इनकार नहीं किया ऐसा कुछ भी नहीं है ये हम पे एलिगेशन है ये उन्होंने क्लियर करते हुए अपने डिफेंड में ये फर्स्ट पॉइंट ये रखा सेकेंड द कंपनी आर्ग्यूड दैट द सस्पेंशन ऑफ इट्स जी जो कि जनरल सेल्स टैक्स होता है वाज नोट जस्टिफाइड एज इट वॉज डन बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम गिवन टू दैम टू वो कह रहे हैं सेकेंड ये है कि उन्होंने जनरल सेल्स टैक्स जो होता है उसकी सस्पेंशन कर दी है बिना कोई नोटिस दिए और जो एक टाइम पीरियड होता है उसके दौरान उन्होंने हमें मौका नहीं दिया अपने आप को डिफेंड करने का हमें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उसके पहले ही उन्होंने जी को सस्पेंड कर दिया हमारे जो कि जनरल सेल टैक्स है कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी जो कि पाकिस्तान में सर्विसेज या गुड्स अपनी प्रोड्यूस करती है या सर्व करती है उनके ऊपर उनकी सेल से पहले लगाया जाता है तो उन्होंने अपनी ये जो है वो इनसे शेल से वापस ले ली और उसको सस्पेंड कर दिया तो नेक्स्ट अब ये जो कि के केस है एज में आई स्टेटेड इन स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन के जो एफ है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि टैक्स कलेक्ट करता है जबकि शेल जो एक कंपनी है एम एन ई है और इसका हेडकोर्टर जो है कराची में है ओब्वियसली कराची को अगर प्रोविजनल कोर्ट के सूरत में देखें तो ये सिंध के अंदर फॉल करता है ओब्वियसली फिर दिन इसका जो केस है वो सिंध कोर्ट में हल होना था तो इंटरविजन बाई सिंध हाई कोर्ट अब इसके ऊपर जो कि हाई कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई हुई है वो क्या थी वो हम जानने की कोशिश करते हैं सेटिंग है में कि द सिंध हाई कोर्ट सेट्स असाइड द डायरेक्टिव ऑफ एफ बी आर विच हैड सस्पेंडिड द सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ शेल पाकिस्तान अवर टैक्स फ्रॉड अब सिंध कोर्ट ने क्या किया कि ये जो डायरेक्टिव था एफ बी आर का जो ये एक्शन लिया उसको एक साइड पर रखते हुए फर्दर प्रोसीडिंग की इस केस के ऊपर उन्होंने क्या किया दिस्टि इन हाई लाइट द रोल ऑफ जुडिशरी इन रिजॉल्विंग सच डिस्प्यूट अब इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो ओबियसली हमारे जुडिशरी को चैलेंज होता है कि वो इस बड़े केस को कैसे रिजॉल्व करते हैं और सारे मीडिया की नज़रें इसी पर होती हैं ओबियसली शैल एक छोटी एम नहीं है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी एम है, है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मोटो जीपीज या जितनी भी रेसिंग कार्स हैं उनको एक उनका एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है और अपने एक लीडिंग मार्केटिंग शेयर है उनके पास और एक अच्छी खासी उनकी इमेज है ओबियसली तो उन्होंने जब ये केस देखा कि एफ बी आर का अगेंस्ट शेल एक केस फाइल हुआ है तो ओब्सली सब मीडिया की नज़रें होती हैं दुनिया की नज़र होती है पाकिस्तान की स्पेशली जो कि ऑलरेडी एक उनकी जिसकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है और एक बड़ी एम एन जिसका केस एक कोर्ट में गया है तो ओबियसली सब उसको नोटिस करते हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि इस डिसजन को हाईलाइट किया गया और जुडिशरी को चैलेंज फेस हुआ है कि उसको इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना है इस केस में क्या हुआ दिस केस अंडर स्कोर्स द कम्पलेक्सिटीज इन्वॉल्व इन कॉरपोरेट टैक्सेशन एंड द नीड ऑफ क्लियर ट्रांसपेरेंट टैक्स लॉज अब यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज़ को देखा जाएगा वो ओबियसली कॉरपोरेट टैक्सेशन होगी कॉरपोरेट टैक्स पाकिस्तान का क्या कहता है और इंटरनेशनल लॉज और एम एन ई जो किसी दूसरे मुल्क में आउट ऑफ कंट्री काम कर रही है उसके एक ट्रांसपेरेंट टैक्स लॉस डिफ़ाइन होते हैं उसकी उसकी अक्स में एम एन ई क्या टैक्स लॉस के मुताबिक अपनी फंक्शंस कर रही है कि नहीं सबसे पहले इसको देखा जाएगा कोर्ट में इट आल्सो इमसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रीटमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और आल्सो ये कि एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज भी था कि क्या इस केस की फेयर ट्रीटमेंट होती है कि नहीं ओबियसली एक सिंध कोर्ट पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो इस केस को कितना फेयरली और स्ट्रिक्टली और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो फर्दर इसके इस केस को जब इंटरवेंशन हुई इसकी सिंध कोर्ट में तो एक चैलेंज था ये कोई छोटा चैलेंज नहीं था ऑब्वियसली एक दो बड़ी कमोडिटीज़ थी तो इसके फर्दर हम देखते हैं कि इस सारे केस के की पॉइंट्स क्या थे तो सबसे पहले शेल मैनिपुलेटेड द प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शनस विद इट्स एफिलेटिड कंपनीज़ टू डूस टेक्साइल लाइबिलिटी अब यहाँ पर सम हाउ शेल ने अपने जो इसके साथ लिंक्ड कंपनीज़ थी या इनकी जो कंपनी थी जो कि एफिलियट की जाती हैं शेल से उनके ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन्स जो प्राइसेस की सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर ताकि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस किया जाए और टैक्स से बचा जा सके च में भी लीगल कहा जा सकता है लेकिन ये उनका राइट right है लेकिन इसको चैलेंज भी किया जा सकता है सेकेंड बात यह है एफ वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट वेदर द ट्रांसफ़र प्राइस वर सेट इन अकॉर्डेंस विद मार्केट प्राइस और इफ़ दे आर आर्टिफिशली मैन्यटेड अब जैसे कि मैंने बताया कि सम हाउ किसी न किसी ज़ुमरे में किसी न किसी स्टेज पर यह थोड़ा लीगल भी होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि फुली लीगल है एफ बी आर ने इसी चीज़ को यकीनी बनाने के लिए सबसे पहले चेक किया है कि जितनी भी ट्रांसफर ने प्राइसिंग की की है अपनी एफिलेटिड कंपनीज में क्या वो अकॉर्डिंग टू द सेट प्राइस हुई है या शेल ने उन प्राइजेस को भी मैनुकुलेट करने की कोशिश की है थर्ड पॉइंट है द मेन फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ टू डिटरमाइन इफ़ द कंपनी शुड हैव पेड मोर टैक्सेस बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन अब इसका मेन फोकस ये था कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या कंपनी ने जो कि टैक्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है वो पे किया है एक्चुअल वैल्यू के साथ और एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए या नहीं सैकेंड ओ सॉरी फोर्थ है ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फू गुड सर्विसज लोन्स रॉयल्टी पेमेंट्स इन ट्रांजेक्शन में कुछ बाइंग आइटम्स शामिल थी कुछ सेलिंग गुड्स शामिल थी कुछ सर्विसेज थी जो कि ऑब्वियसली एक सर्विस कंपनी भी है प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी है जिस ऑब्वियसली तो और इनके लोन्स और रॉयल्टी जो कलेक्ट करती है शेल अपने एफिलेटिड कंपनी से तो क्या उन पे उनकी पेमेंट्स जो है वो स्मूथली हुई है सही हुई है फेयर हुई है कि नहीं अदर इज़ एग्जामिनिंग एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स टू रीच आर रेजोल्यूशन रिसोल्यूशन अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ से उनको एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे ताकि जिस पे कोई कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए द नेक्स्ट वन इज़ द आउटकम ऑफ डिस्प्यूट विल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉस अब जो भी फाइनल आउटकम आना था वो ऑब्वियसली टैक्स की इंटरप्रिटेशन और टैक्स लॉस को देखते हुए टैक्स ऑडियंस को देखते हुए ही फैसला किया जाएगा कोर्ट जो भी करेगी ऑब्वियसली सबसे पहले टैक्स को देखते हुए वो टैक्स लॉज जो कि होते हैं किसी भी मुल्क के सबसे पहले मुल्क उसमें कंट्री स्टेट्स उसमें अपना फ़ायदा देखती हैं ओबियसली टैक्स को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाएगा एफ को लेकिन यहाँ पर जुडिशरी पर भी एक सवाल था क्योंकि जो फेस कर रही थी सेकेंड अदर इज़ जो कंपनी थी वो कोई छोटी कंपनी नहीं है इट हैज़ अ मार्केट शेयर इट हैज़ अ मार्केट वैल्यू और एक नाम है उसका तो एक बहुत सवेर केस था ये ता, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टैक्स इविजन इज एक्स अप्रोक्सीमेटली आर एस थ्री बिलियन तो थ्री बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का टैक्स इविजन का एक मसला था जो कि एफ बी आर ने क्लेम किया था कि शेल ने किया है नेक्स्ट है आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन शेल पाकिस्तान कैन नॉट परफॉर्म एनी बिजनेस इन द कंट्री अब यहाँ पर डिले ही जा रहा था कि शेल पाकिस्तान पे रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कैंसिल की गई थी एफ बी आर की जानब से और इसी वजह से वो अपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती थी पाकिस्तान ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसके स्टडी के नेक्स्ट जो पॉसिबल आउटकम्स थे जो कि के उस केस ऑफ लॉज के तहत अगर उसको रिजॉल्व किया जाए तो पॉसिबल आउटकम्स जो निकल सकते हैं उनको डिस्कस किया गया है हमारे पास फर्स्ट जो कि सेटलमेंट हो सकती थी थ्रू नेगोसिएशन फर्स्ट आउटकम को बताया जा रहा है कि सेटलमेंट हो सकती है नेगोशिएशन के थ्रू जिसमें एक पॉसिबल आउटकम यह है कि दोनों पार्टीज़ मिल के बैठें और एक सेटलमेंट करें जो कि नेगोशिएशन के, के थ्रू ही पॉसिबल है ऑब्वियसली अगर वो मिल के बैठेंगे नहीं तो बात नहीं हो सकती फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि मिलकर बैठें और नेगोशिएट करें और इस मसले का हल निकालें दिस वुड इन्वॉल्व शेल पाकिस्तान लिमिटेड एग्रींग टू पे एनी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस अगर ये साबित हो जाता है या फिर वो अपनी गुड विल के तहत शेल पाकिस्तान लिमिटेड एग्री कर जाती है कि जो भी हमारे ऊपर टैक्स की इवेशन के जो हमने टैक्स इवेट किया है उसका जो इल्जाम है हम उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस या जितने भी हमने छुपाया है हम वो पे करेंगे इफ़ एनी अगर है तो एंड द एफ बी आर लिफ्टिंग द सस्पेंशन ऑफ इट्स सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और सेकेंड दूसरा फरीक ये कर सकता था एफ बी आर कि वो जितनी भी टैक्स की रजिस्ट्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो सस्पेंड कर दिया गया उनका लाइसेंस वो उसको बहाल कर दें सेकंड पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि लीगल रेजोल्यूशन सोल्यूशन वो किया जाए इसका अब सोल्यूशन लीगल सोल्यूशन क्या हो सकता है इफ़ अ सेटलमेंट कैन नॉट बी रीच थ्रू नेगोसिएशन अगर नैगोसिएशन पे बात ख़त्म नहीं होती ना एक फरीक राजी होता है कि उसने टैक्स इवेजन की है शेल ना कि एफ अपनी सस्पेंशन को उठाना चाहता है रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट नहीं करना चाह रहा तो सेकेंड केस में हो सकता है कि द केस में कंटिन्यू टू बी कंटेस्टेड इन कोर्ट अब सिंध हाई कोर्ट में वो केस वैसे ही चलता रहे कोर्ट वुड देन मेक अ फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय बोथ पार्टीज अब सेकंड तरीके ये कि कोर्ट अपना पूरा अपनी कार्रवाई करे और जो भी फैसला करता है वो टैक्स ऑर्डीनेंस के तहत दोनों पार्टीज के एविडेंस और उनकी डिबेट्स के बाद जो फैसला देगा कोर्ट उसको कबूल कर लिया जाए सेकंड सोल्यूशन ये थर्ड सोल्यूशन में बताया गया पॉलिसी रिफॉर्म पॉलिसीज को ठीक किया जाए दिस केस कुड आल्सो लीड टू पॉलिसी रिफॉर्म विद द गवर्नमेंट रिवाइजिंग इट्स टैक्स लॉस टू प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी एंड प्रिवेंट सिमिलर डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर अच्छा थर्ड जो सोल्यूशन है ये तो जरूरी है अगर सेटलमेंट होती है तब भी जरूरी है लीगल रेजोल्यूशन होता है तब भी जरूरी है गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे स्टेप्स ले अपने पॉलिसीज में उनको कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करें कि नेक्स्ट टाइम ऐसी डिस्प्यूट पैदा ही ना हो ऑबियसली ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका तो थर्ड पॉसिबल आउटकम या ये मस्ट ही कह लें कि ये दोनों सूरतों में होगा या जो भी फ़ैसला आता है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए इसलिए ताकि ना एफ बी आर को फर्दर कुछ प्रॉब्लम हो ना ही जो एम एन ई जो कि उस मुल्क में काम कर रही है या न्यू एंट्रेंस एंट्रेंस है या एग्जिस्टिंग है उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी ना फेस करनी पड़े दोबारा से फोर्थ है इम्प्रूव कंप्लायंस शेल पाकिस्तान लिमिटेड को टेक द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इट्स टैक्स कम्पलायंस प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट इट इज़ फुली कम्पलाइंड विद ऑल एप्लीकेबल लॉज ऑफ टैक्सेस फोर्थ पार्ट यह कि शेल पाकिस्तान लिमिटेड जो कि क्या मैंने उसको चाहिए कि अपनी इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे और अपनी टैक्स पॉलिसीज़ और अपने कम्पलायज़ प्रोसीजर को इतना एफिशिएंट बना लें कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी कंप्लेन के खिलाफ फाइल ही ना कर सके इतना ट्रांसपेरेंट रखें अपने टैक्स फाइल प्रोसेस प्रोसेस को टैक्स रजिस्ट्रेशन को और एप्लीकेबल लॉज को अपने ऊपर ऐसे एप्लीकेबल करें कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट की नज़रों में हो ट्रांसपेरेंट हो और उनके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन कोई लगा ही ना सके फिफ्थ में ये है कि पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी शेल मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है कि शेल एक बहुत बड़ी कंपनी है और मार्केट में एक अपना हाथ शेयर अपनी इमेज रखती है जैसे कि एम एन &E या एक कंपनी एक एक लीगल पर्सन होता है सिमिलरली शेल भी एक लीगल पर्सन की तरह एक बहुत बड़ी बिजनेस मैन समझ लें एक बिजनस पार्टी है अब ये कोई छोटी और एम एन ई नहीं है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बड़ी मोटर कंपनीज हैं उनका फर्स्ट स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर है काफ़ी कंपनीज की और काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, लीग्स और काफ़ी इवेंट्स में एज आ मेन और लीड स्पॉन्सर भी होती है सो इट इज़ क्वाइट फेमस सो पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ऐसे कर सकती है शेल पाकिस्तान लिमिटेड माइट नीड टू इंप्लीमेंट अ पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी टू मैनेज इट्स रेपूटेशन ड्यूरिंग द डिस्प्यूट ऑब्वियसली वो पब्लिक अपनी पब्लिक पॉपुलैरिटी को यूज़ कर सकती है और इवन के वो कोर्ट के जो जित जो भी डिसीजन आएगा उसको भी इन्फ्लुंस कर सकती है अपनी पब्लिक स्ट्रेटी को यूज़ करते हुए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दट दिज पोटेंशियल आउटकम्स एंड सोल्यूशन एंड द एक्ल आउटकम्स विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द लीगल आर्गूमेंट्स प्रजेंटेड बाई बो पार्टीज द इंटरप्रटेशन ऑफ टैक्स लॉस एंड द डिसंस ऑफ द कोर्ट जैसे कि मैंने सेकेंड लीगल रिजोल्यूशन में क्लेम किया था कि ये इसका जो भी फैसला होगा वो इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टीज एविडेंस और जो डिबेट के बाद और टैक्स लॉस को देखते हुए कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो एक मेजर अपना फैक्टर्स होंगी किसी भी डिसीजन में इन फोर डिसीजन में से कोई भी डिसीजन होता है तो एक मेन उनमें फैक्टर्स यही होंगे कि दोनों कंपनीज जो एविडेंस और जो भी डिबेट डिबेट के थ्रू अपनी एक मौक़ पेश करती हैं उसको डिपेंड करते हुए वो टैक्स लॉज रिफॉर्म्स को और ऑर्डिनेंस को और टैक्स लॉज को देखते हुए इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान के अपने टैक्स लॉज हों दोनों को देखते हुए उसकी रोशनी में फ़ैसला किया जाएगा नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल टैक्सीशन इसमें क्या रोल प्ले करती है इस डिस्प्यूट में उसका क्या सिग्निफिकेंट रोल है इन कॉर्पोरेट टैक्स डिस्प्यूट सच एज द वन बिटवीन शेल पाकिस्तान जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं इसमें ग्लोबल टैक्सेशन और कॉर्पोरेट टैक्स का क्या रोल है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल टैक्स लॉज क्या कहते हैं ग्लोबल टैक्स लॉज एंड सच एज दोज़ रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइजिंग कैन ऑफ्टन बी अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एंड टैक्स अथॉरिटीज़ अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो एक टैक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते जो कि एक मेजर एक फैक्टर कह सकते हैं किसी भी डिस्प्यूट के तहत जैसे अभी हुआ तो ये एक ये है कि कोई एक सिंगल लॉ नहीं है पूरे वर्ल्ड में ये इंटरनेशनल टैक्स लॉ एक ऐसा नहीं है कि जिसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉलो किया जाए तो ये एक डिस्प्यूट इसी वजह से हुआ है क्योंकि एक कंपनी जब अपने मुल्क से निकल के मल्टी नेशनल होती है क्रॉस द बॉर्डर अपनी फंक्शंस को रन करना चाहती है तो ऑब्वियसली उसको उस मुल्क के रूल्स टैक्सेस टैक्स लॉज सब कुछ फॉलो करना होता है दीज लॉज आर डिज़ाइन टू प्रिवेंट टैक्स एवियेजन एंड इंश्योर देशन पे देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्स इन दल कंट्रीज वेयर देयरप्रेड तो मैंने जैसे कि बताया कि कोई इंटरनेशनल टैक्स लॉ नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जो कंपनीज आप जो कि जो दो मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं या उनको चाहिए कि आपस में इंटरनेशनल टैक्स लॉ को इम्प्लीमेंट करें किसी एक सेंट्रल टैक्स लॉ ऑर्डीनेंस को पास किया जाए जिसको दोनों कंट्रीज फॉलो करें तो ऐसा डिस्प्यूट नहीं होगा सेकेंड यह टैक्स प्रिटीज़ की जाए मैनी कंट्रीज हैव टेक्स ट्रीटीज विद ईच अदर टू अवॉयड डबल टेक्सीकम अर्न इन द अदर कंट्रीज दिस कंट्रीज कैन समाइम्स भी अ सोर्स ऑफ डिस्प्यूट इफ देर आर डिसग्रीमेंट अबाउट देयर इंटरप्रिटेशन और अप्प्लीकेशन तो बिफोर मूविंग टू द अदर कंट्रीज या तो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड करने से पहले चाहिए कि कंट्रीज जितने भी हैं स्पेशल नेबरिंग नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक जैसे कि यू एस ने किया हुआ है कैनेडा के साथ तो और मेक्सिको के साथ तो इसी तरह चाहिए कि नेबरिंग कंट्रीज़ आपस में टैक्स ट्री, ट्रीटीज़ बना लें जिनके तहत जिन रूल्स को सेंट्रलाइज कर लें एक एक कॉमन टैक्स रूल्स ऑर्डिनेंस बना लें जिसके जिसको दोनों कंट्रीज़ फॉलो करेंगे और ये इस तरह के डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सकता है इस एग्रीमेंट्स के थ्रू और ट्रीटीज़ के थ्रू जो के इंटरप्रटेशन की और एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं जैसे कि अक्सर इशू भी आ जाता है कि कोई एक कंट्री ज़्यादा टैक्स लेता है और दूसरा उससे ज़्यादा लेता है तो जो बीच में जो थर्ड पार्टी होती है जो कि ट्रेड कर रही होती है बिज़नेस कर रही होती है उसको नुकसान होता है ऑब्वियसली डबल टैक्स पे करेगा वो डबल टैक्स पे करने से उसको नुकसान है तो जब टैक्स ट्रीटीज़ हो जाती हैं तो कोई एक कंपनी दो कंट्रीज़ हैं आपस में किसी एक डिसीजन पे होती हैं और कोई अगर एक कम एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो कंपनीज हैं जो उसके मुल्क में काम कर रही हैं उनको टैक्स की छूट दे देता है और इसी तरह दूसरा कंट्री पहले कंट्री के लोगों को और उनकी कंपनीज को टैक्स की छूट दे देता है इससे जितनी भी ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर इनको कॉमन किया जाए ताकि डबल टैक्स से बचा जा सके और टैक्स डबल टैक्स को अवॉइड किया जा सके थर्ड है टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज़ टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि मल्टी नेशनल जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर जो है ना सोफिस्टिकेटेड सुफ, टैक्स प्लानिंग का शिकार होती हैं जिसकी वजह से उनको ग्लोबली फंक्शंस करने में बहुत इश्यूज़ पेश आते हैं अब यहाँ पे भी यही बताया गया कि मल्टीनेशनल नेशनल कॉपोरेशन यूज सोफिस्टिकेटेड टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज टू तो मिनिमाइज देयर ग्लोबल टैक्स लाइबिलिटीज़ तो उसके लिए वो ऐसी टैक्स टैक्स प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बनाती हैं जिसके थ्रू उनको ग्लोबल टैक्स लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम की जा सकें ओबियसली तो जब कोई एक टैक्स रूल नहीं होगा किसी दो मुल्कों के दरम्यान ट्रीटी नहीं होगी तो मल्टी नेशनल कंपनीज तो ऑबियसली प्रॉफिट के लिए ही अक्रॉस द बॉर्डर रेट करती हैं तो वो तो यही चाहेंगी कि उनका प्रॉफिट बढ़े और टैक्स लाइबिलिटी कम से कम हो तो वो ऐसी स्ट्रेटजीज ही डिज़ाइन करेंगी जिसकी वजह से उनको टैक्स कम से कम देना पड़े लेकिन टैक्स जो है किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मेन फर्स्ट रेवेन्यू होता है तो दीज स्ट्रेटजीज कैन समाइम्स लीड टू डिस्प्यूट विद द टैक्स अथॉरिटीज़ इफ़ दे आर व्यूड एज़ एग्रेसिव और अब्यूसिव तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो ऐसी अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगी जिसमें उनको टैक्स लाइबिलिटी कम से कम फेस करनी पड़े तो ऑब्वियसली वहाँ की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जैसे कि एफ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनके साथ डिस्प्यूट ऐसे क्रिएट होंगे तो इनको टैक्स ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल लॉज के तहत ही सॉल्व किया जा सकता है फोर है इंटरनेशनल कॉपोरेशन

परफॉर्मेंस अपनी शो भी की है जिसमें इंक्रीज़ किया गया है टैक्स इंटरनेशनल कॉपोरेशन्स को और इन्होंने एक सिंगल टैक्स पॉलिसीज़ के थ्रू ट्रेड काफ़ी हद तक बेहतर भी की है लेकिन ऑब्वियसली एवरी राइट हैज़ इट्स ओन फ्लॉज तो इसी तरह इन्हीं कंट्रीज़ में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने में कोई भी कमी होती है तो ऑब्वियसली एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है कोई एक मुल्क भी डिसएग्री कर गया किसी एक टर्म से भी तो ऑब्वियसली पूरी जो कि इंटरनेशनल कॉपोरेशन बनी होती है उस उसके जितने भी लॉज हैं सब डैमेज होते हैं ऑबियसली दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट से एग्रीमेंट ख़त्म होने का खदेशा होता है और मिस इनफॉर्मेशन अगर किसी को मिस इन्फॉर्म किया गया है स्टार्टिंग में अपनी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन नहीं की गई तो ऑबियसली लेटर ऑन वो पूरी इंटरनेशनल कॉपोशन ऑफ टैक्स को इफ़ेक्ट करता है फिफ्थ ये है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज़ मेड टैक्सेशन एंड मोर कम्पलैक्स विद द कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल एंड जनरेटेड इनकम फ्राम वेरियस सोर्सेज दिस कम्पलेक्सिटी कैन ऑफ्टन लीड टू डिस्प्यूट्स एज कंपनीज एंड टैक्स अथॉरिटीज ने वी गेट दिज कम्पलैक्सिटीज तो जब से ग्लोबलाइजेशन की जब पूरी दुनिया जा रही है तब से टैक्स डिस्प्यूट्स ज़्यादा होने लगे हैं और सबको इंटरनेशनल टैक्स और ग्लोबल टैक्स की लॉस की एक ज़रूरत पेश आना शुरू हुई है और उनको पता चला है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई है बिजनेस की तो इनको महसूस हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्सेशन की इंटरनेशनल लेवल पर लॉस की बहुत कमी है और बहुत कम्प्लैक्स लॉज है, है इनको बनाना आसान नहीं है रिसेंटली हमने स्टडी भी किया है इसके बारे में तो कंपनी जो कि ऑपरेट करती हैं अपनी बॉडर अक्रॉस बॉर्डर और जिस मुल्क में जा कर वो ऑपरेशन अपने फंक्शंस रन करने की कोशिश करती हैं ओबियसली वो उस कंट्री की जो रिस्ट्रिक्शंस के अंदर जुर, अंडर, अंडर फॉल करती हैं और उसको वहाँ के कानून फॉलो करने पड़ेंगे जिसकी क्योंकि वहाँ पे वो इनकम जनरेट करने गई है ओबियसली फिर वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इसी उनको वहाँ पर बहुत सी मुश्किल भी पेश आती हैं जैसे कि शेल को पेश आई पाकिस्तान में तो जब इसका वाद हल यही है कि टैक्स प्रसाएँ इंटरनेशनल टैक्स लॉज डिज़ाइन किए जाएँ जो कि इनकम्प्लैक्सिटीज को कम से कम करें इनसाइड डिस्प्यूट टैक्स लॉयर्स प्ले अ करूशल रोल इंटरप्रटेनिंग द लॉ एडवाइजिंग देयर क्लाइंट्स ऑन देयर अपलिकेशन एट रिप्रजेंटिंग टैक्स अथॉरिटीज़ एंड एडवोकेटिंग फॉर दैम इन कोर्ट इफ़ ने तो यहाँ पे एक एजेंट काम कर सकता है और इन डिस्प्यूट्स को हल कर सकता है उस एजेंट को हम लीगल टैक्स लॉयर टैक्स लॉयर भी कह सकते हैं वो ये कर सकता है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाती है तो अपना एक टैक्स लॉयर हायर करें ताकि जो कि दोनों कंट्रीज़ की टैक्स पॉलिसीज़ और उस कंपनी को भी अच्छे से समझे जो कि द बॉर्डर जाके काम करना पड़ काम करना चाहती है ओबियसली वहाँ के टैक्स रिफॉर्म्स को भी अगर उस एजेंट को उस टैक्स लॉयर को पता होगा तो वो कंपनी को असिस्ट कर सकता है कि वो कैसे अपने फंक्शंस इस कंट्री के रूल्स एंड लॉज के मुताबिक रन करें जो कि किसी भी डिस्प्यूट को कम से कम बना देगी यानी कि डिस्प्यूट होगा ही नहीं जब कोई लीगल एडवाइज़र होता है किसी भी कंपनी का और जिसको उस मुल्क की लीगल टैक्स रिफॉर्म्स टैक्स ऑर्डिनेंस और टैक्स इंफॉर्मेशन लॉज की होती है तो वो वहाँ पे डिस्प्यूट ही नहीं होने देगा कंपनीज तो ऐसे कर सकती हैं कि अपने एक टैक्स लॉयर को हायर कर लें ताकि उनका इंटरनेशनल अक्रॉस बॉर्डर वो जिस भी कंट्री में जाएँ वहाँ की जो टैक्स लॉज हैं उनको वो उनको वो तोड़े नहीं और आपस में कोई ऐसी डिस्प्यूट ही ना क्रिएट हो जिनकी वजह से उनको कोर्ट की तरफ जाना पड़े नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं हम कि जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे मैंने आपको बता दिए और जो कि मसले पेश आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें मेजर ऑब्वियसली जब टैक्स की रूल्स एंड रेगोलेशन इंटरनेशनली और ग्लोबली डिज़ाइन नहीं किए जा रहे ना कि ट्रीटीज़ कम से कम हो रही हैं स्पेशली यूरोप में कुछ हैं और कुछ यूएस वाली साइड पर हैं बाकी एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत कम है ओबियसली यहाँ पर तो नेबर कंट्रीज़ आपस में ज़्यादातर ही डिस्प्यूट के शिकार हैं और ट्रेड भी कम होती है और जो करने की कोशिश करते हैं तो ऑबियसली वो जो प्राइवेटाइज कंपनी होती हैं प्राइवेट एम होती हैं उनको मुश्किल पेश आती है क्योंकि उन मुल्कों के दरमियान कोई भी ऐसी ट्रीटी या फिर इंटरनेशनल टैक्स लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा होता तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन शेल इज़ सस्पेंडेड बाय एफबीआर। अब इन्वेस्टिगेशन की गई और जो शेल कंपनीज की स्ट्रेस ऑफ टैक्स था जी वो के एफ ने सस्पेंड कर दी द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सस्पेंडेड सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ शेल पाकिस्तान फॉर डेलीबरेटली कमिटिंग टैक्स फ्रॉड टू वे टैक्स अब एफ बी आर ने जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि शेल कंपनी की जो सस्पेंड कर दी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और एफ बी आर ने उनको सिंध कोर्ट में उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस भी और अपना एक केस रन किया जिसके पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपको रिसेंटली बताए हैं लीगल नोटिस अगेंस्ट शेल ये हुआ जिसमें इट इज़ नॉट वर्थी डेट पर्सन कंटिन्यू द फ्रॉड एंड प्रैक्टिस टिल लास्ट रिटर्न फील्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड एटीन इन दर्डर टू सेव कार्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू दिस ऑफिस इमिडिएटली ऑर्डर फॉर सस्पेंशन ऑफ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ शेल पाकिस्तान लिमिटेड अंडर सेक्शन ट्वेंटी एक्ट नाइनटीन नाइनटी रीड विद रूल्स ट्वेल्व

So you'll ask in the comment. Thank you so much. Allah Hafiz.